खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। घग्गर पार के ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी नेता को ग्रामीणों ने घेरा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जायजा लेने गए बीजेपी नेता और पार्षद प्रतिनिधि सलिंदर वाल्मीकि को घग्गर पार पोपुर गांव के ग्रामीणों ने घेर लिया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से उनके गांव में बाढ़ से हजारों एकड़ फसल खराब हो गई है। सरकार और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है, परंतु अब उनके गांव में नेता अपनी फोटो खिंचवाने और अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए गांव का दौरा करने आ रहे हैं। इससे पहले 3 दिन तक यह नेता और प्रशासनिक अधिकारी हमारे गांव का रास्ता भूल गए थे। आज ग्रामीणों ने बीजेपी नेता को घेर लिया और प्रशासन को मौके पर बुलाने की मांग की। बीजेपी नेता ने अपने आप को घेरा पाकर स्थानीय प्रशासन से बात की तो पीडब्ल्यूडी के एसडीओ जगदीश चंद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। जब ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी एसडीओ से पूछा कि प्रशासन अभी तक उनके गांव में क्यों नहीं पहुंचा था, तो इस बात का भी एसडीओ साहब के पास कोई जवाब नहीं था। जी आज आपने पार्षद को बंधक बनाया जो आपके जायजा लेने आए थे, तो क्या पूरा मामला है? मामला यह जी कोई नहीं आ रहा, ना डीसी आ रही, ना एसडीओ आ रहा, ना एसडीएम आ रहा, कोई प्रशासन नहीं आ रहा जी, हम क्या करें? तो इनको बंधक बनाने से क्या हल हो जाएगा? बंधक बनाने से हल तो नहीं होगा, कोई कम से कम कोई तो आएगा जी यहाँ पे। तो समस्या क्या क्या? समस्या तो ये सारी दिख रही है जी, हजारों एकड़ जमीन तबाह हो गई, जो फसली बीमा था वो भी वो कर दिया कि अगर जल भराव होगा तो उस वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ओलावृष्टि से होगा। ये क्या कर रहे हैं जी बीजेपी सरकार, क्या कर रही है जी? बिल्कुल जल भराव का क्या कारण है? जल भराव का ये था जी, जो पहले बीमा होता था फसली बीमा भी, अगर जल भराव होता है तो कंपनी बीमा देगी, लेकिन अब वो लाइन उसके बीच से काट दी गई है, जल भराव से कोई बीमा नहीं मिलेगा, अगर ओलावृष्टि होगी तो सिर्फ उससे ही बीमा मिलेगा। तो ये सड़क बनी थी जो इसने वो लाई है जी, इसमें कोई पूरी पालियां लग रही है जी, 2-3 छोटी छोटी, उससे क्या होगा जी? बिल्कुल नहीं होगा। अब हमारे गांव वाले ने किया है कि इस सड़क को तोड़ेंगे हम, और बनी को तो 20 दिन हुए हैं जी, सारे मटीरियल कुछ नहीं है जी इसमें बिल्कुल भी। जगीर सिंह जी, तुम बंधक बनाया पार्षद ने, की मामला है पूरा? ये मामला ये है जी, साढ़ा 1,000 किला डूबिया पे है जी, ठीक है जी। बाकी असी चार दिन तो लंघन तो भी तंग है जी, उरे कोई प्रशासन ने आया जी, किसी ने साड़ी सुनवाई नहीं करी, असी इन्हों जब तक नहीं जानते जब तक प्रशासन नहीं आता, और इन्होंने साढ़े सामने हम फोन करा जी, प्रशासन फोन करता ने लाता भी प्रशासन आएगा, सुनवाई होगी असं जान देंगे नहीं, असं 4 दिन भी नहीं जान। जगीर सिंह जी, ये तो आपकी समस्याओं का हल करने आए थे, आपकी पूछताछ करने आए थे, क्या स्थिति है और इनको बंधक बनाना? कोई आएगा उसको भी बनाएंगे जी, फिर क्या करेंगे जी हम? कोई भी आई जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो उसके साथ भी झगड़ा होगा, जिम्मेदार क्या करेंगे? तो समस्या क्या है आपकी? समस्या पानी की समस्या है जी, ये रोड लग रहा है जो रोड बेकार है जी, इसमें कोई अच्छा मटेरियल नहीं, इसके कारण ये सारा पानी रुक रहा, ना कोई यहाँ पुड़ी है, ना कोई रैंप है जी, ना लेना ना देना, ये रास्ता तो है ही नहीं किसी के कारण जी। तो रोड की क्या समस्या है? रोड की समस्या है जी, इसमें सारा मटेरियल डुप्लीकेट है जी, इसमें कोई मटेरियल अच्छा नहीं है, बाकी डाने के लिए घास नहीं है जी, कोई बच्चा नहीं आ सकता, कोई डंगर नहीं आ सकता, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल, कोई जनानी नहीं आ सकती जी, सब परेशान है जी, 4 दिन हो गए।